बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त, गुड होना भी चाहिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, निवेदन बस एक है। परिवार वालों को भी सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। सरकार, पुलिस प्रशासन, जितने भी लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए परेशान हैं, उनका सहयोग करें यथासंभव, जितना संभव किसी भी प्रकार के नियम कानून का उल्लंघन न करें। आज हम बात करेंगे आपसे, कल हमने मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया था किसका, पर एरर किसका बात किया हमने, एरर का हमने देखा था कि एरर दो प्रकार के होते हैं। एक बात का थोड़ा सा मेगा रिवीजन मार दीजिए, तो एरर पढ़ा था हमने, देखा था दो प्रकार का होता है, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा था एक रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम में ही एरर होता है, रैंडम एरर जो आपके मेजरमेंट में ही हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर का, डेल्टा ए इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ। आपने क्या मेजर किया पहले, एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर लेंथ, ठीक। उसके बाद में आपने बात किया है मीन एरर की। इसी तरीके से एक दो तीन चार पांच जितने भी चाहे उतने हो सकते हैं। दूसरा आपने बात किया था मीन एरर की। मीन एरर का कोई सिंबल नहीं था, कोई संकेत नहीं था, आप डायरेक्ट इसको मीन एरर इक्वल टू आप कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल एरर, एक्चुअल लेंथ मान लीजिए, इसको हम कहते थे मीन एरर। उसके बाद में अगला पॉइंट आपको मिल गया था रिलेटिव एरर। बस दो मिनट पांच मिनट में हम इसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया है, बस इसको सिर्फ एक चीज रिवाइज हो जाए जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, ठीक है ना। अब रिलेटिव एरर जो था इक्वल टू, रिलेटिव एरर इक्वल टू होता था क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय कितनी मीन वैल्यू है उसकी, मतलब मीन वैल्यू, ठीक। इस तरीके से इतने सारे फार्मूले हमने पढ़ लिया था। हाँ, परसेंटेज एरर भी पढ़ा, रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज एरर हम निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका, अच्छा मतलब एक शॉर्ट फार्मूला जो इसका बनता था वो क्या बनता था, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, डेल्टा के बार, इसी के बार से ही तो रिप्रेजेंट करते थे, अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होता था, a1 a2 a3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये होता था। अगर हम परसेंटेज एरर की आपसे बात करें, आप कह दीजिए इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज एरर हो जाएगा, मतलब डेल्टा ए बाई ए इनटू 100 करते हैं ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, या डेल्टा ए बार डिवाइड बाई ए मीन इनटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है ना। इतने प्रकार के एरर्स हमने कल पढ़ लिया था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कशन कर लिया था। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जाकर पहले इसके प्रीवियस लेक्चर, 7 लेक्चर हो चुके हैं, ये 8वां लेक्चर है, 7 लेक्चर को देखिए, ये चैप्टर बहुत तेजी से खत्म होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपसे मेजरमेंट की, जो मेजर करते हैं हम, मेजरमेंट तो हम पढ़ ही रहे, मेजर जो करते हैं और किससे मेजर करते हैं, जो मेजर करते समय हम मेजर करते करते बहुत सारे स्केल, जैसे आपके पास किलोमीटर है, बाइक है, स्पीडोमीटर है, इन सारी चीजों से आप स्पीड और ऑडोमीटर से डिस्टेंस, इन सारी चीजों को आप मेजर करते हैं। लेकिन स्केल है, स्केल से आप सेंटीमीटर में ये सब मेजर कर लेते हैं, लेकिन मेजरमेंट जो होती है वो बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट की होती है, जो फिजिक्स है वो बहुत छोटी छोटी, जैसे आप देखते होंगे कि बात करता है 10 to the power minus 10 मीटर, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम की बात है। अरे भैया 10 to the power minus 10 मीटर आप कैसे मेजर करो, मतलब अगर चेंज भी करना चाहो तो 1/10 to the power 10 बोलिए, तो इसका मतलब 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी छोटी वैल्यू कैसे मिलेगी, आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
5 6 7 8 9 10 इतनी छोटी वैल्यू आप कैसे मेजर करें आप ये पॉसिबल हो पाएगा? तो इन सारी चीजों के मेजरमेंट के लिए जो हम छोटे छोटे स्केल का यूज करते हैं उस पर हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। एक दो विशेष प्रकार की स्केल होते हैं, एक तो होता है वर्नियर स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल और दूसरा आपका होता है वर्नियर कैलिपर्स भी इसको बोलते हैं और दूसरा आपका होता है स्क्रू गेज स्केल। स्क्रू गेज स्केल इन सारी चीजों पर हमको डिस्कशन करना। ठीक, पहला पॉइंट है हमारा वर्नियर स्केल। सबसे पहले हम वर्नियर स्केल पढ़ेंगे और वर्नियर स्केल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बात करेंगे। मैं इस पर भी कहने वाला था लेकिन चलिए अभी जाते जाते इस पर एरर पर हम एक दो क्वेश्चन आपको देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हम समय इस पर नहीं लेना चाहते हैं। हम आते हैं डायरेक्ट वर्नियर स्केल पर। वर्नियर स्केल आप फिगर थोड़ा देखिएगा, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखा आपको, ये जो वर्नियर स्केल है इसको देखिए, इसकी बात की जा रही है, ये बनता कैसे है और ये कैसे मेजर किया जाता है, इन सारी चीजों पर हमको डिस्कशन करना। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता सकते लेकिन हम बनाएंगे प्रयास करते हैं। ये है मेन स्केल, इसको हम क्या कहते हैं मेन स्केल। इसमें कुछ ऐसे बड़ा होता है और इसको ऐसा कुछ, अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, या नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा, ठीक है, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो परेशान होने जरूरत है। और इसकी इस पर एक मीटर बना होता है, इस पर एक स्केल बना होता है जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल। ठीक, ये जो छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं, ये जो छोटी छोटी पार्ट, जैसे इसमें कुछ बड़े पार्ट हैं जैसे मीटर सेंटीमीटर और ये सब होता है, वैसे ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे बड़े हमने बना दिया एब्जॉर्प्शन। ठीक, इस तरीके से कुछ पार्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं मेन स्केल होते हैं। इस पर एक स्लाइडर होता है, एक ऐसा चीज होता है जो ऐसे स्लाइड कर सकता है, जैसे मान लो ये है, ये मेन स्केल है तो इस पर कुछ ऐसा है और जो चल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक, हम वर्नियर स्केल यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं। मैं वर्नियर कैलिपर हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं, ये हिंदी भी हो सकता है इंग्लिश में दोनों यही है। ठीक है, इस पर एक जो होता है मैंने जो बताया जो स्लाइड का काम करता है, जो स्लाइड कर सकता है वो उस पर कुछ ऐसे लगा अच्छा टाइम वगैरह करने के लिए और कुछ ऐसा, और जो इसी पर क्या करता है स्लाइड कर सकता है, स्लाइड कर सकता है और वो भी ऐसे ही कुछ बना होगा कुछ। अब देखिए बहुत एग्जैक्ट फिगर हम इसमें मत बना लिया, तो इस पर एक वर्नियर स्केल ये है कि इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। वर्नियर ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। मैं बता दूं जो इस पर स्केल बना होता है, इस पर भी एक छोटी छोटी स्केल बने होते हैं, तो जो इस पर स्केल बना होता है इसको थोड़ा ऊपर बना होता है, इसी से वो वर्नियर स्केल से छोटा होता है, मेन स्केल से छोटे छोटे इसके पार्ट होते हैं, मतलब इसके जो डिविजन है ये बड़े हैं कंपेरिजन टू इसके, इस वर्नियर स्केल के जो डिविजन है पार्ट हैं छोटे छोटे उनसे इसके मेन स्केल वाले डिविजन क्या है बड़े। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। और कुछ ऐसा रहता है कि ये ऐसा इस पर स्लाइड कर सकता है, क्या कर सकता है इस पर स्लाइड कर सकता है। आप किसी मेजरमेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के डिवीजन को कोइंसाइड कर दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए इस मार्कर का हिंदू ठीक है, तो मार्कर हमने इसके बीच में लगाया, ये ऐसे जॉ टाइप है, इसको जॉ बोलते हैं, जबड़ा, इसको मेन स्केल का जॉ बोलते हैं, इसको वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जॉब है, जैसे जैसे ये कर सकता है वैसे वैसे ये भी आगे पीछे होता है, इसको जॉब होता है जब आगे, लेकिन ये मेन स्केल का जो है और ये वर्नियर स्केल का जॉब है। ठीक,
मतलब ये तो फिक्स है मेन स्केल में, लेकिन ये स्लाइड कर सकता है आगे पीछे हो सकता है। ठीक समझ में? जैसे मैं मार्कर अब सपोज दैट इस हाथ के थ्रू समझो ये मेन स्केल का है और ये वर्नियर स्केल जो क्या है वेरी कर सकता है, जो क्या कर सकता है वेरी कर सकता है। इसमें हमने इसको थिकनेस चाहिए थी, हमने इस इधर से मेन स्केल पर रोका और ऐसे इसको दबाते चला गया था, वर्नियर स्केल ले जाकर ऐसे इसको स्लाइडर था रोक। अब चेक करिए इस पर जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है कहां कोइंसाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसके मेन स्केल के मेन डिवीजन जहां स्टार्टिंग डिवीजन से इस डिवीजन के बीच की जो लेंथ होगी यही बताएगा इसकी लेंथ। यानी जो मार्कर हमने लगाया, मार्कर की जो थिकनेस है ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को ऐसे मेजर कर, बस हो जाए। मतलब वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के डिवीजन कहां कोइंसाइड कर रहे हैं और उसके पहले और अभी में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं लेंथ। भाई सिंपल सी बात है, जब आप शुरू करते हैं कोई चीज मेजर करना तो यहां से शुरू करते हैं और यहां पर जहां तक वो लेंथ जाता है वहां तक मेजर करते हैं, ये होता है। तो उसी तरीके से इसमें जो डिफरेंस आता है यहां कोइंसाइड करता है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल रहा हो उसका। ये स्मॉल डिवीजन से मतलब अब मार्कर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तो हम और क्या लेंगे इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो बहुत पतले पतले बहुत छोटे छोटे लेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स या इससे छोटे पतले थिकनेस को मेजर करने के लिए हम मेन स्केल का उसका स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक ये आ गया, इतनी बातें समझ में आई। इसका लिस्ट काउंट होगा लीस्ट काउंट या इसको बोलते हैं बीसी वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट को भी ऐसी लीस्ट काउंट कहते हैं जो कि होता है 1 mm लिखो या फिर होता है 0.01 cm। इसको आप याद कर लीजिए, लेकिन हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। मैं मान लेता हूं कि जब ये डिवीजन जब ये आप डेरिवेशन शुरू करते हैं ठीक है ना, मान लिया कि जो ये लेंथ मेजर किया जाएगा तो मेरी स्केल के n डिवीजन पर वर्नियर स्केल का जो n डिवीजन है वो आकर के इस पर टैली कर रहा है। हमने देखा है अभी कि मेरी स्केल का जो डिवीजंस हैं जो पार्ट हैं छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वो बड़े हैं किससे, वर्नियर स्केल से। अगर ये वर्नियर स्केल से बड़े हैं तो वर्नियर स्केल का डिवीजन कम होगा, ज्यादा होगा और मेन स्केल का डिवीजन कम होगा। बोलिए ठीक है। तो मैंने मान लिया कि और एक चीज बता दें, कोई कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, कोई कोई ऐसा वर्नियर स्केल भी बनता है जिसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन बड़े होते हैं मेन स्केल। लेकिन यहाँ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं हमारे आपके सिलेबस में कैसा होता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है कंपेरिजन टू मेन स्केल। ठीक, बस इतनी सी बातें आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने मान लिया कि जो वर्नियर स्केल है उसमें एन डिवीजन है और कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की एन माइनस वन डिवीजन। हमने क्या मान लिया, माना कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है का लेट लेट बी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एन कोइंसाइड विद एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का n डिवीजन इसके n माइनस वन डिवीजन क्योंकि ये बड़ा है तो कुछ कम ही रहेगा चाहे ये डिवीजन कम हो या 10 डिवीजन हो तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बी और इसको देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन को बी एस डी कहते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन वर्नियर बी एस डी यहाँ लिख देता हूँ मैं और इसको मेन स्केल डिवीजन को एम एस डी वर्नियर स्केल डिवीजन और इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब हम इसको बार बार नहीं करेंगे। तो बीएसडी जो है वो एन बीएसडी एन बीएसडी बराबर है किसके, एन माइनस वन एमएसडी। बोलिए सही, n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। अच्छा इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं n msd माइनस msd बन जाए msd से लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, अगर हम चाहें तो इसको इधर ले आ सकते हैं यानी n
एन एम एस डी और ये इधर आएगा तो माइनस क्या आएगा एन बी एस डी, बोले ठीक है। और इसको चाहे तो हम यहां ले जा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, बी एस डी इक्वल टू क्या लिखेंगे वन अपान या एन माइनस वन अपान एन एम एस डी, बोले आप ठीक है थोड़ा सा सॉल्व। इसको हम लिख सकते हैं एन बाई एन माइनस वन बाई एन, अब ठीक है एम एस डी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यही सॉल्व करते हैं ये वन हो जाएगा वन माइनस वन अपान एन एम एस डी, बोलिए ठीक है। अब इसको एम एस डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एम एस डी यानी एम एस डी माइनस वन अपान एन एम एस डी, बोलिए ठीक है। यहां है बी एस डी, क्या है बी एस डी, अगर हम चाहें तो इस एम एस डी इस बी एस डी को इधर लाए इसको इधर लेना है, बोलिए कि यह हो जाएगा एम एस डी माइनस ये बी एस डी इधर आएगा तो बी एस डी और ये इधर चला जाएगा तो वन अपान एन एम एस डी, बोलिए एम एस डी माइनस बी एस डी इक्वल टू वन अपान एन एम एस डी, दिख रहा है देखिए प्रॉपर दिखाई दे रहा है वेरी गुड। यानी हम लिख सकते हैं एम एस डी माइनस बी एस डी इक्वल टू वन अपान एन एम एस डी, मतलब जो एम एस डी मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है किसके वन अपान एन मेन स्केल डिवीजन के। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन अपान एन मतलब क्या है, बोलिए नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, बोलिए क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक। तो इसका मतलब यहां एक फार्मूला मिल गया आपको और ये और सुन लीजिए यहां जो एम एस डी माइनस बी एस डी इसको लिख सकते हो, जो एम एस डी माइनस बी एस डी इक्वल टू वन अपान एन एम एस डी जो आ रहा है इसको इसको एम एस डी माइनस बी एस डी को हम कहते हैं एल सी, क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट, एल सी को हम क्या कहते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू या इसको बी सी भी कहते हैं, बी सी शॉर्ट में लिखे एल सी लीस्ट काउंट और इसको हम कहते हैं बी सी मतलब वर्नियर कॉन्स्टेंट, वर्नियर कॉन्स्टेंट इसको बी सी भी बोलते हैं इक्वल टू क्या होगा वन अपान एन एम एस डी, बोलिए ये फार्मूला याद हो, ये फार्मूला तुरंत याद करिए वर्नियर स्केल वर्नियर कॉन्स्टेंट या लीस्ट काउंट इक्वल टू वन अपान एन एम एस डी, इसको हिंदी में लीस्ट काउंट लीस्ट सबसे छोटा काउंट सबसे छोटी जो मेजरमेंट इसकी है वो अभी हमने एक मिनट पहले बताया था कि क्या होती है 1 mm होती है, क्या होती है 1 mm होती है LC equal to या फिर होती है 0.01 सेंटीमीटर। अभी मैं करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे 1 mm और कैसे ये होती है, ठीक। मैं मान लेता हूं कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इसको इरेज करो, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया फिगर आप बुक से अपने बनाइएगा, ठीक नोट कर लिया, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है और समझ में आएगा, कोशिश नहीं करना है आपको, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर नहीं समझ आएगा फिर से देखिए। मैं मान लेता हूं कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उस पर 10 डिवीजन, इसका 10 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के वन डिवीजन पर कौन सा कर रहा है, क्या हमने मान लिया कि जो ऑर्डिनरी बीएसडी है मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन है, जो वर्नियर स्केल है वर्नियर कैलिपर्स है वो एमएसडी के 1 एमएम और बीएसडी के 1 एमएम से 10 डिवीजन से कौन सा कर रहा है, क्या एमएसडी का 1 एमएम कौन सा किससे करता है बीएसडी के 10 डिवीजन से, बोलिए अगर ये बीएसडी के 10 डिवीजन से कौन सा करता है तो अभी आपने तुरंत बोला था कि 1 बीएसडी इक्वल टू, अभी आपने बोला था कि 1 बीएसडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय एन, ये जो आपने कहा
वन बाई एन क्या डिवीजन ऑफ एम एस डी, बोलिए डिवीजन ऑफ एम एस डी कर सकते हैं, यानी कि वर्नियर स्केल एक वर्नियर स्केल डिवीजन इसके 9/10 यही तो है, मतलब एक डिवीजन पर जब कॉन्साइड करेगा तो यही तो आएगा, तो वर्नियर डिवीजन जो ये आएगा चेंज वो पॉइंट नाइन एम एम आएगा, बोले ठीक है, बोलिए क्योंकि ये एम एम में है ना, तो जब एम एम में चेंज करोगे तो 0.9 mm आएगा। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बी एस डी क्या होगा, बी एस डी क्या, मैं एक साथ आपसे पूछूं कि लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू आपने कहा है यही एम एस डी, एम एस डी माइनस बी एस डी इक्वल टू 1/nmsd, आप कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से, तो जो भी वैल्यू दी गई हो वही यूज कर लीजिए। बोलिए तो ये आएगा क्या 1 mm नहीं 0.1 mm वाला है, 0.1 mm गलती से हमने आपको भी गलत बता दिया, सेंटीमीटर में तो सही हमने कन्वर्ट किया लेकिन इसको मैंने गलत लिखा था, ठीक सॉरी फॉर दैट, है ना। तो ये क्या होता है कि मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये जो एम एस डी है वो कितना है, इसकी एम एस डी लिखिए, तो एम एस डी दिया है 1 डिवीजन 1 mm, जब इसको आप सीएम में बदलेंगे तो 0.1/10 सीएम ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। बताते समय हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, गलती से सेंटीमीटर वाला हमने बताया था सही लेकिन ये हमने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा पीछे से, जो आप नोट किए हैं उसको तुरंत करके कर लीजिए, पहले करेक्शन करिए तब आगे बढ़िए, हो गया करेक्शन हो गया, बोले समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये बता दीजिए, बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन में आएगा तुरंत आप यूज करिएगा लिस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, मतलब वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है एचसी होता है या वर्नियर कांस्टेंट होता है वो वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलिए 0.01 सेंटीमीटर याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन लगाइए पहले पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 1 mm ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, कोई वर्नियर कैलिपर्स है उसके 1 mm पर स्केल पर वर्नियर कैलिपर्स के 1 mm पर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 mm जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1 mm नहीं होना चाहिए इसको सीधा होना चाहिए तभी 1 mm आएगा, है ना, ठीक। 1 cm on the main scale of vernier calipers is divided into 10 equal parts. 1 mm जो है, वो divide किया गया है, इसमें 10 बराबर part में divide किया गया है, found vernier calipers. If 20 divisions of vernier scale, VS मतलब क्या vernier scale, 20 divisions, vernier scale का 20 divisions को with the 10 small divisions of the main scale, वो बराबर हो रहा है, coincide कर रहा है, किसके? Vernier scale का 20 division main scale के 10 डिवीजन के बराबर क्या है, कौन सा ही करना है डिवीजन आपकी मेन स्केल, और विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक। आइए शुरू करते हैं, ये कह रहा है कि कितना होगा, तो देखिए अगर हमें मेन स्केल तो मालूम है, मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर मालूम है, ठीक, और ये जो दे रखा है ये बीएसटी नहीं मालूम, मेन स्केल एमएसटी तो मालूम है पर बीएसडी नहीं मालूम, अगर हम बीएसडी की बात करें 10 इक्वल पार्ट्स में है, तो 10 इक्वल पार्ट्स में है तो एमएसडी इक्वल, चलिए देखिए पहले हम देखते हैं एमएसडी इक्वल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया यानी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलिए ठीक है भाई, 10 इक्वल पार्ट तो एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट इक्वल कितना हो जाएगा 1/10 इक्वल 10 पार्ट में था तो एक पार्ट उसका कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर का होगा। फिर आइए यहाँ देखिए डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 20 डिवीजंस ऑफ बीएसडी मतलब वर्नियर स्केल का यानी कि 20 बीएसडी बराबर किसके हैं 10
small division of MSD. So 10 MSD के बराबर MSD बोलिए ठीक। इसको आप लिख सकते हैं पहले 1 BSD बर्नियर स्केल डिवीजन आपको निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। तो 1 BSD 10 अपॉन 20 ये 20 नीचे आएगा, MSD 0 CD को पढ़ जाएगा मिल जाएगा 1 अपॉन 2 MSD। अच्छा लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू आप जानते हैं 1 MSD माइनस BSD बोलिए। तो 1 MSD इतना है बोलिए, 1 MSD माइनस BSD तो MSD की वैल्यू बोलिए कितना है, इसके जो MSD का है वो 1 सेंटीमीटर है, ये तो डिवीजन है ना, ये तो MSD 1 सेंटीमीटर माइनस BSD कितना आया 1 अपॉन 2 MSD बोलिए। तो इसको हमने लिखना भूल गया ना MSD ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो MSD बाहर निकाल लीजिए आप तो मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा 1 अपॉन 2 MSD बचेगा बोलिए सही है। तो अगर 1 अपॉन 2 MSD आ रहा है तो MSD की वैल्यू अब उठा करके आप रख दीजिए बोलिए, MSD की वैल्यू उठा करके रखिए तो 1 अपॉन 2 MSD की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर, पॉइंट सॉरी 0 नहीं 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप इसको डिवाइड करें तो बोलिए तो 0.05 सेंटीमीटर बोलिए। समझ में आया मैंने क्या किया, ये चीज समझ में आया क्या किया गया इसमें भी नहीं, मतलब लिस्ट काउंट कितना आ रहा है उस बैरियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट आ रहा है जो 20 डिवीजन वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन पर कोइंसाइड कर रहा है और जो मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर इक्वल हो रहा है किसके 10 बराबर पार्ट है, किसके 10 इक्वल पार्ट्स के बराबर हो रहा है वो उसके लिए क्या हो रहा है कोइंसाइड कर रहा है बोलिए। समझ में आया, एक बार फिर से सुनिए, कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कितना पढ़ा दूं, कितना क्वेश्चन बता दूं, कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में पढ़ा दूं, मेरा जो टारगेट है मेरा जो लक्ष्य है वो सिर्फ इतना है मैं एक ही पॉइंट को पढ़ाऊंगा लेकिन समझ में आना चाहिए। आप दो बार पढ़ना पड़े, तीन बार पढ़ना पड़े, चार बार पढ़ना पड़े, दो बार बताना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर है क्लासरूम नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे वो टेस्ट आपको आएगा, ऐसा टेस्ट दूंगा कि आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, दो बार पूछिए तीन बार पूछिए क्या फर्क पड़ता है, बस यही तो होगा अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, समझ में तो आ जाएगा ना, लक्ष्य जो है वो तो मिलेगा। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर ऑफ वर्नियर स्केल, कोई वर्नियर कैलिपर है उसकी मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर रहा है, मेन स्केल कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 बराबर पार्ट में टूट रहा है डिवाइड है। हमने आपको समझाया था कि ये जहां कोइंसाइड करते हैं वही उसकी लेंथ होती है, है ना, तो अगर ये 20 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसके 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का 10 डिवीजन बराबर है किसके वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन के, तो वर्नियर स्केल का और ये 20 डिवीजन कौन सा करा तभी 10 डिवीजन के साथ, ये क्वेश्चन यही है बस ये थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, ये आपको सॉल्व करके बताना। तो कह रहा है कि अगर 1 अपॉन 10 एक डिवीजन, एक मेन स्केल का जो एक डिवीजन होगा वो कितना होगा 1 बाय 10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर ठीक, 20 वर्नियर स्केल का डिवीजन बराबर है 10 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा 10 अपॉन 20 एमएसडी, इस 20 को कट जाएगा 1 अपॉन 2 एमएसडी आ गया। अब देखिए BSD मिल गया, MSD मिल गया, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है MSD माइनस BSD, ये तो होता है, आइए लिस्ट काउंट इक्वल टू MSD माइनस BSD, तो MSD 1 है लेकिन BSD क्या है 1 अपॉन 2 MSD, अभी निकाला
MSG कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1/2 एक में से आधा घटाओगे आप तो आधा आएगा, आधा MSG 1/2 MSG, तो 1/2 MSG की वैल्यू चेक करो, चेक करो MSG की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 अगर आपको ऐसे डिवीजन समझ में नहीं आए तो हम उसको देखिए कर देते, ये हो जाएगा 0.1/2 पॉइंट हटाने के लिए कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए हो गया, ये हो जाएगा 1/20। अब पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, फिर पॉइंट 0 बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा, 25 सर 100। अब ठीक है, तसल्ली मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इतनी छोटी कैलकुलेशन हमसे मत कराया करो, ठीक है ना, समझ जाया करो। आपसे एक चीज बताऊं, अभी तक यार आपने लाइक नहीं किया, पूरा लेक्चर आपने 30 मिनट तो देख लिया लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, पहले लाइक अपने फ्रेंड, कम से कम 5 फ्रेंड के साथ शेयर, उसके बाद तब वीडियो को छोड़ना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।